की कुर्बानी रहेगी और बड़ी बहन संसार रतन नागण की कहानी के ऊपर झुल्ला राजगुरु रे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह विस्मिल अशफाकुल्ला आज गवालों जैसा हो गया उन सब का मसकुल्ला रे चले गए बादाम छुआरे चले गए बादाम छुआरे किशमिश मुनक्का पीसते चूल्हे ऊपर मांस पके पत्थर पे अंडे घिसते रे भारत को इस भारत को आजाद बना के करके कुछ फरिश्ते आज देख लो बहन भाई के खत्म हो लिए रिश्ते रे मैं जी अछूती आज जगत छोड़ दिए दिन पर दिन पेड़ कटे हैं गोचर भूमि कई रिहाड़े बंजर मेड़ कटे हैं रे मजदूरों की हर मजदूरों की वेतन भत्ता छिड़ी और पछड़े बकरी भेड़ कटे हैं रे मुर्गी मछली और अंडों की मुर्गी मछली और अंडों की
यहाँ निगरानी रहेगी। ओ ओ ओ ओ भारत में बेकार सही गुरबानी रहेगी संसार रतन की कहानी रहेगी। भारत में बेकार सही दो बहुत बढ़िया। ये भाई साहब 100 रुपए देकर सम्मान करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका सम्मान हो उसकी उम्र बढ़ जाए भाई, जैसे हमारे साथी ताराचंद जी कह रहे थे ना, सम्मान हो उसकी उम्र बढ़े और जिसका अपमान हो वो तो जीते जी मर जाए ना मर जाए भाई। जिसका अपमान हो वो तो जीते जी मर जाता है और जिसका सम्मान हो वो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ये 500 रुपए देकर के दीक्षिंदर विवेक जी, भाई विवेक जी 500 रुपए दे करके अपनी विवेकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मिनट तो नहीं लगने की भाई। हाँ तो सुनो जरा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेने का। क्या कह रहा था, भारत में बेकार शहीदों की कुर्बानी रहेगी रे। संसार की कहानी रहेगी रे। भारत में बेकार शहीदों हाल क्या है समाज का आज, बुगले भगत आज देश के मंच पे आवण लागे। इधर उधर का झूठ बोल के टके कमावण लागे रे। संध्या हवन किए बिन वो तो खाना खावण लागे। फिल्मी गाने और रंडियो की रंगत गावण लागे रे। पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारी, पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारी आ तरज पुरानी रहेगी। हो भारत में बेकार शहीदों की कुर्बानी रहेगी रे। संसार रतन करेगी कहानी रहेगी रे। भारत में बेकार शहीदों, जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, उन नौजवानों का नाम आज देश के नेताओं की जबान पर नहीं है। आदरणीय ताऊ जी, जागे राम जी भाई 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाल नेताओं का क्या है, राजस्थान में घर में आग लग गई, एक आदमी के कपड़ों में आग लग गई। सोचा कहां बुझाऊं भाई, फिर सोचने लगा यार तालाब में तो पानी मिलेगा, तालाब की तरफ को भग लिया। रास्ते में एक नेताजी खड़ा था स्वार्थी, नेताजी ने आवाज लगाई, भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो आदमी रुकिया ही नहीं, रुका कहां से, कपड़ों में आग लग रही, भगा भी आ गया, तालाब में कूद गया, आग बुझाई, फिर वापिस आया और नेताजी के पास जाकर कहने लगा, हाँ भाई साहब अब बता तू क्या कहता। बोला क्या कहता, अब तो बात ही खत्म होली सारी। बोले रे कुछ कहना भी था, रुक के तेरा था, एक मिनट रुक जा रुक जा। बोल रहा है बीड़ी सिलगानी थी तेरे में आग लग रही थी, मेरे पे माचिस ना दी और बात क्या होती। अपनी बीड़ी सुलगाने के चक्कर में उसका मरना जीना नहीं देख रहा। जिन नौजवानों ने आजादी ली थी उनका नाम आज पीछे हटा दिया, लोग नाखून कटवा कर शहीदों में नाम लिखाना चाहते हैं। पर बुजुर्गों और भाइयों, आजादी के लिए तो नौजवानों ने बलिदान दिए थे, तब जाकर के आजादी आई थी। लो 15 मिनट में एक भजन पूरवा देता हूँ मैं, और बड़ी अच्छी तरज है इसकी भी, देसी तरज है, हरियाणा तरज है, क्योंकि हम तो भाई बड़े ही हरियाणा में हुए। आदरणीय
स्वामी इंद्रवेश जी के नेतृत्व में हमने लगातार काम किया। कब से काम किया? जब 14-15 साल की उम्र में दादा चौधरी प्रतीत सिंह बेधड़क की उंगली पकड़ करके यहाँ आए थे, इस क्षेत्र में आए थे, तब जाकर के 45 साल 42 साल लगातार ये काम किया। और भजन गाते गाते तो 49 साल हो गए, 75 एक कम अर्ध शताब्दी होने वाली है, अगली साल कर देंगे पूरी। वैसे 100 साल पूरे कर रहे हैं। आर्य तो कभी मरता ही नहीं, नहीं आर्य तो जिंदा रहते हैं हमेशा। मरता कौन है? मरता तो वो है जो कब्र में गाड़ दिया, जिसे लिखना ही नहीं। हम तो जन्म और मृत्यु को समझते हैं ना, अगले पिछले जन्म को मानते हैं। तो खैर